हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। और लाल मिर्च का पाउडर बनाने के लिए हमें इस तरह की लाल मिर्च चाहिए, और इनको मैंने पहले धूप में सुखा लिया है। और अब मैं इनके पीछे का पोर्शन, जो लकड़ी वाला पोर्शन होता है, उसको अलग कर रही हूँ। इसको डंठल भी बोलते हैं। और इस तरह से हम इनके डंठल को अलग करते जाएंगे। और जब ये डंठल अलग हो जाएंगे, तब हम एक बार और चेक करेंगे। अगर हमारी लाल मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो हम इसको गरम कढ़ाई में इसको 5 मिनट के लिए उलट पलट लेंगे, जिससे कि ये थोड़ी क्रिस्प हो जाएगी, थोड़ी कड़क हो जाएगी, और फिर वो पीसने में आसानी होगी। अभी तो ये मुझे ठीक लग रही है, पर अगर ये सॉफ्ट लगती है तो इसको, एक टेक्निक ये भी है कि हम थोड़ा गर्म बर्तन में, गर्म कढ़ाई में 5 मिनट के लिए उलटेंगे पलटेंगे, तो ये ठीक हो जाएगी। तो रेड चिल्ली पाउडर बनाने के लिए अब हम इन रेड चिल्लीज़ को ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। और पीसने के लिए, अगर ये थोड़ी सॉफ्ट हैं, तो इनको हम गरम कढ़ाई में डाल के 5 या 2 मिनट के लिए बस उलटेंगे पलटेंगे। इनको सेकना है बस हल्का सा, उसके बाद में ये थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ये क्रंची हो जाएंगे। और फिर उसके बाद इनको हम इस तरह से ग्राइंडर जार में डालेंगे। और इनको हम पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने रेड चिल्ली पीस ली है, लेकिन इस जार को तुरंत नहीं खोलना है। इस जार को थोड़ा रुक के खोलना, क्योंकि इसके अंदर जो पाउडर है वो रेड चिल्ली है, और वो आपके सीधा, उसकी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपके फेस पे आएंगे, तो आपको जलन भी हो सकती है। इसलिए 5 मिनट रुकिए, लेट इट डाउन, ये नीचे चला जाएगा, पूरा बैठ जाएगा, उसके बाद खोलिए। इसको मैंने 5 मिनट छोड़ा हुआ है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसी तरह से अब हम इसको किसी इस तरह से ग्लास की बॉटल में भर लेंगे और स्टोर कर लेंगे। ये आपका 15 डेज टू 1 मंथ आराम से चलेगा। और ये घर का बना हुआ है, तो इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, किसी तरह की मिलावट नहीं है। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इस तरह से हमने एक रेड, इस बॉटल में इसको सेव कर लिया है, रेड चिल्ली पाउडर को। और अब हम इसको स्टोर कर लेंगे 15 डेज टू 1 मंथ ही आराम से चलेगा।